हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज जिस शहर की यात्रा हम आपको कराने वाले हैं, उसे भारत की सबसे बिजी सिटीज में से एक माना जाता है। आबादी के लिहाज से ये शहर भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। ये शहर हर तरह से अलग और खास है। यहाँ एक बढ़िया कार्टून एग्जीबिशन का आयोजन किया जाता है हर साल। एशिया में पहली स्ट्रीट लाइट इसी शहर में लगाई गई थी। इस शहर को भारत का आईटी हब माना जाता है। हर साल सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स की शुरुआत भी इसी शहर में होती है। तो वहीं शहर को पब कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मतलब पूरे शहर में पब्स एंड नाइट क्लब्स हैं, जहाँ लोग पूरी रात पार्टी कर सकते हैं। एक समय पर इस शहर में 200 नदियाँ थी, लेकिन विकास के चलते आज इस शहर में नदियों की संख्या 9 के बराबर है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत का आईटी हब शहर कहे जाने वाले बैंगलोर के। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहले बता दें कि बैंगलोर कर्नाटक राज्य की राजधानी है। बैंगलोर को कुछ लोग बेंगलुरु के नाम से भी जानते हैं। बैंगलोर भारत के दक्षिण में तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यहाँ की आबादी है लगभग 1.31 करोड़ और आबादी के लिहाज से ये शहर भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। बैंगलोर शहर जीडीपी के मामले में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 250 बिलियन डॉलर्स की जीडीपी के साथ ये भारत की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान दे रहा है और जीडीपी के मामले में बैंगलोर देश में चौथे नंबर पे आता है। बेंगलुरु शहर सी लेवल से 3000 फीट की ऊंचाई पे बसा हुआ है। इतनी ऊंचाई पे बसे होने के कारण बैंगलोर का मौसम पूरे साल काफी अच्छा रहता है और यही वजह है कि लोग बैंगलोर से इतने ज्यादा जुड़े रहते हैं। इतना ही नहीं, आज बैंगलोर में 51% से ज्यादा लोग भारत के विभिन्न हिस्सों से आकर बसे हैं। मुंबई की तरह बैंगलोर के लिए भी ऐसा माना जाता है कि यह शहर कभी सोता नहीं है। आपको यहाँ हर समय भीड़ ही नजर आएगी। यहाँ सड़कों पर देर रात तक चहल पहल होते हैं। इस शहर के लोग अलग हैं, यहाँ का कल्चर भी अलग है, लेकिन इसके बावजूद बैंगलोर को भारत के सबसे फेमस शहरों में गिना जाता है। टूरिज्म के लिहाज से भी यह शहर कुछ ज्यादा पीछे नहीं है। यहाँ हर साल घूमने आने वालों की संख्या काफी ज्यादा होती है। दोस्तों, आप लोगों ने अपने घरों के पास स्ट्रीट लाइट तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि पहली बार स्ट्रीट लाइट कहाँ लगाए गए थे? दोस्तों, वो बैंगलोर शहर ही था जहाँ पहली बार किसी शहर की गलियाँ स्ट्रीट लाइट से जगमगाई थी। जी हाँ, एशिया में पहली इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट 5 अगस्त 1905 को बैंगलोर में जलाई गई थी। उससे पहले शहर की गलियों में तेल के दिए जलाने के लिए 3 लोग रखे जाते थे। ये काम काफी मुश्किल था, जिसके बाद बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए शहर में पावर प्लांट लगाने का काम शुरू किया गया था। उन स्ट्रीट लाइट के लगने के एक साल के अंदर ही 831 नई स्ट्रीट लाइट्स और 1639 घरों में बिजली के कनेक्शन बेंगलुरु में लगा दिया गया था। बेंगलुरु के बारे में एक और मजेदार बात ये है कि कुछ दशक पहले ये 200 से ज्यादा झीलों का घर था, यानी कि यहाँ 200 से ज्यादा नदियां बहते थे। नदियों की वजह से ये शहर और भी सुंदर नजर आता था, लेकिन विकास होने के बाद इन नदियों को खत्म कर दिया गया। नदियों को खत्म करने के बाद कुछ जगहों पे बड़े मॉल्स बना दिया गया, तो कुछ जगह ग्राउंड्स। आपको यहाँ हर तरफ गगनचुंबी इमारतें देखने को मिलेंगे। मंत्री पिनेकल इस शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, जिसकी ऊंचाई 153 मीटर है। इसके अलावा 50 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई वाली 100 से ज्यादा इमारतें शहर में मौजूद हैं और न जाने कितनी इमारतों का काम जारी है। कुछ सालों में बैंगलोर शहर और भी ज्यादा विकसित लगने लगेगा। दोस्तों, बैंगलोर को अगर पढ़े लिखे लोगों का शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस शहर की लिटरेसी रेट देश के अन्य शहरों से काफी बेहतर है। बैंगलोर में 87.67% लोग लिटरेट हैं। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक बेंगलुरु दुनिया के टॉप 100 शहरों में शामिल हो जाएगा। फिलहाल इस सूची में बैंगलोर को 21वां स्थान प्राप्त है। अक्सर बैंगलोर शहर में 70 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जहां हर साल हजारों बच्चे प्रोफेशनल डिग्रीज लेके निकल रहे हैं और अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं। यहां से बहुत सारे इंजीनियर्स इंडिया छोड़कर विदेशों में भी नौकरी के लिए जा रहे हैं। हालांकि इस शहर में आज भी काफी गरीबी है। आंकड़ों के मुताबिक बैंगलोर का पॉवर्टी रेट 17% है, यानी 100 में से 17 लोग आज भी यहां गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। बेंगलुरु शहर की फर्टिलिटी रेट को बेहतर कहा जा सकता है। 1.7 फर्टिलिटी रेट के साथ बेंगलुरु पूरे देश के लिए एक मिसाल है। किसी भी शहर, राज्य या देश को शिक्षित और विकसित बनाने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। बेंगलुरु को आईटी सेक्टर का हब माना जाता है। जितनी आईटी कंपनीज इस शहर में है, उतनी कहीं और नहीं है। तभी तो हर साल हजारों युवा बेंगलुरु नौकरी करने आते हैं और यहीं बच जाते हैं। अपनी सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए ये शहर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पूरे एशिया में बेंगलुरु टेक और आईटी की फील्ड में सबसे आगे है। बेंगलुरु में 1000 से अधिक आईटी कंपनीज हैं, जिसमें से कुछ तो विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, ईएमसी, इंटेल, आईबीएम, विप्रो, टीसीएस, Amazon, Dell Technologies और भी बहुत सारी। यही वजह है कि बैंगलोर शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस शहर को स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि हर साल इस शहर में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स की शुरुआत की जाती है। यहाँ हर रोज नए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं और बेंगलुरु में कई कंपनियों के सबसे बड़े डिलीवरी सेंटर्स हैं। जितने बड़े डिलीवरी सेंटर्स इन कंपनियों के किसी और शहर में नहीं है। आईटी हब होने के अलावा बैंगलोर कई दूसरी चीजों के लिए भी मशहूर है। जैसे कि शहर को लेकर सबसे खास बात यह है कि अगर आपका नेट पैक खत्म हो गया है तो आपको किसी भी तरह की कोई
चिंता करने की बात नहीं है। राज्य सरकार पूरे शहर में मुफ्त वाईफाई सर्विस देते हैं और फिर ऐसा करने वाला ये भारत का पहला शहर है। यहाँ के वाईफाई को नम्मा वाईफाई कहा जाता है और पूरे शहर में कुछ भी करने के लिए इसका लाभ उठाया जा सकता है। इसके बाद नंबर आता है यहाँ के खाने का। खाने के मामले में बैंगलोर का कोई जवाब नहीं है। इस शहर के लजीज खाने के दीवाने आपको भारत के कोने कोने में मिल जाएंगे। दोस्तों बैंगलोर का स्ट्रीट फूड काफी स्वादिष्ट माना जाता है। मैंगलोर बंस से लेकर भाजी के साथ फिल्टर कॉफी, सब कुछ बहुत ही लाजवाब है। अगर आप बेंगलुरु में किसी स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड की तलाश में हैं, तो सबसे पहले शुरुआत आपको मैंगलोर बंस से ही करनी चाहिए। इस बन को नारियल की चटनी और सांबर के साथ खाया जाता है। अगर आपको खाने पीने का कुछ ज्यादा ही शौक है तो बैंगलोर शहर आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगा। आपको बैंगलोर के स्ट्रीट फूड को जरूर आजमाना चाहिए। इसमें साबुदाना वड़ा, दालो बाटू, चाट, पानीपुरी और मोमोज आदि शामिल हैं। साबुदाना वड़ा बैंगलोर की सबसे पॉपुलर डिशेज में से एक है। ये हल्के और कुरकुरे स्नैक्स बैंगलोर की हर गली और रेस्टोरेंट में आपको खाने के लिए मिल जाएंगे। अब खाने की बात हो रही है तो आपने इडली का स्वाद तो जरूर चखा होगा। साउथ इंडिया की फेमस रवा इडली की बात ही अलग है। रवा इडली के बारे में लोगों को यही लगता होगा कि रवा इडली पहली बार चेन्नई में बनाई गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। रवा इडली की खोज बैंगलोर शहर ने की थी और पहली बार इसी शहर के लोगों ने इडली को टेस्ट किया था। दोस्तों अगर पार्टी और म्यूजिक की बात करें तो बैंगलोर शहर का म्यूजिकल कल्चर हर जगह पॉपुलर है। इस शहर में हर वीकेंड पे कोई ना कोई इवेंट आयोजित होता रहता है जहाँ यहाँ के लोकल बैंड्स परफॉर्म करते नजर आते हैं। लोकल बैंड्स के अलावा बैंगलोर में हर साल कई इंटरनेशनल बैंड्स भी परफॉर्म करने आते हैं। तभी तो म्यूजिक से प्यार करने वाले लोग इस शहर को रॉक कैपिटल ऑफ इंडिया कह के भी बुलाते हैं। इसके अलावा अगर बात क्रिकेट की करें तो भारत के सबसे पॉपुलर क्रिकेट स्टेडियम्स में से एक एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में ही है। ये स्टेडियम भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे चर्चित स्टेडियम्स में गिना जाता है और यही वजह है कि फैंस यहाँ कोई मैच मिस करना पसंद नहीं करते। भारत को बैंगलोर शहर ने न जाने कितनी दी हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भारत की ओर से पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दिग्गज सीवी रमन इसी शहर से थे। फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाने वाले रजनीकांत, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले और रॉबिन उथप्पा जैसे दिग्गज क्रिकेटर्स भी यहीं से हैं। वहीं अगर इस शहर से जुड़े कुछ और रोचक फैक्ट्स की बात करें तो ये एक ऐसा शहर है जिसे कुछ लोग पब कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। बेंगलोर की नाइट लाइफ का सबसे अलग होने का कारण भी यही है कि शहर में पब्स और रेस्टोरेंट्स काफी ज्यादा हैं। शहर में करीब 800 पब और नाइट क्लब्स हैं जहां आप देर रात तक पार्टी कर अपनी बैंगलोर की ट्रिप को और भी ज्यादा मजेदार बना सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बैंगलोर देश का पहला ऐसा शहर है जहां पहली हेली टैक्सी सर्विस की शुरुआत हुई थी। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सेवा की शुरुआत की गई थी। इसी जगह रास्ते पर सफर के लिए 2 से 2.5 घंटे का समय लगता था, लेकिन हेली टैक्सी से आप ये सफर सिर्फ 15 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ये सर्विस सुबह 6:30 से 9:30 बजे तक और शाम 3:15 से 6 बजे तक उपलब्ध रहती है। एक हेलीकॉप्टर एक बार में 6 लोगों को लेकर उड़ान भरता है। अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि बैंगलोर टेक क्षेत्र में कितना आगे निकल चुका है। दोस्तों अगर आप बैंगलोर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि शहर में घूमने के लिए तब जाएं जब यहाँ बेंगलुरु एयरो शो का आयोजन हो रहा हो। इस शो को देखने के बाद आप यहाँ बाकी सब कुछ भूल जाएंगे। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हर 2 साल में येलाखाना एयरफोर्स बेस पर एयरो इंडिया शो का आयोजन करता है। खास बात यह है कि इस शो को टूरिस्ट और इस शहर में रहने वाली आम जनता भी देख सकती है। एयरो इंडिया शो की शुरुआत 1996 में हुई थी। ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है और इसमें एविएशन सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, भारतीय एयरफोर्स से लेकर दुनिया के कई देशों के एयरफोर्स के प्रतिनिधि भी होते हैं। अगर आप पायलट बनने या वायुसेना में शामिल होने की बात सोच रहे हैं तो आपको ये शो जरूर देखना चाहिए। दोस्तों वैसे तो बैंगलोर में कई बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लगने वाले बाजार अलग ही मजा देंगे। स्ट्रीट शॉपिंग की बात करें तो बैंगलोर का कमर्शियल स्ट्रीट शॉपिंग के लिए सबसे बेस्ट जगह है। साथ ही यहाँ MG रोड पे आपको हर मनचाही चीज मिलेगी, कपड़ों से लेकर गिफ्ट आइटम्स तक आप यहाँ खुलकर शॉपिंग कर सकते हैं। बेंगलुरु के आसपास भी कई खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं। अगर आपको ट्रेकिंग का शौक है तो नंदी हिल्स जाकर आप अपने शौक को पूरा कर सकते हैं। बेंगलुरु से नंदी हिल्स की दूरी 60 किलोमीटर है। वन डे ट्रिप के लिए नंदी हिल्स बेस्ट डेस्टिनेशन है। इसके अलावा अंतारा गंगे भी जा सकते हैं। बेंगलुरु से अंतारा गंगे की दूरी में है 70 किलोमीटर है। आप रोड ट्रिप के जरिए अंतारा गंगे पहुंच सकते हैं और पुराने मंदिरों में देव दर्शन कर सकते हैं। अगर आप वाइल्ड लाइफ देखने का शौक रखते हैं तो बेंगलुरु के बेनरघट्टा नेशनल पार्क जरूर जाइए। यहाँ आप तेंदुए, चीते और हाथी सहित कई जानवर देख सकते हैं। इसके अलावा लालबाग बोटानिकल गार्डन पर आपको दुनिया भर के 1800 से ज्यादा प्रजातियों के फूल और पौधे देखने को मिलेंगे। अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो बेंगलोर में स्थित विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको विज्ञान से जुड़ी तमाम जानकारियाँ मिलेंगे। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, ये शहर काफी ऊपर बसा हुआ है, इसलिए यहाँ का मौसम पूरे साल सुहावना ही बना रहता है। इसलिए बेंगलोर जाने का कोई खास समय नहीं है, आप कभी भी और किसी भी समय इस शहर की यात्रा करने की प्लानिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था बेंगलोर। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप में से अगर कोई है बेंगलोर से तो हमें जरूर बताइएगा। हमें कमेंट में बताएं कि
आज की वीडियो में आपको बैंगलोर की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे, क्या आप कभी गए हो बैंगलोर और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।